नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसा नुस्खा लेके आऊँ जिसके इस्तेमाल से आपकी जिद्दी दांत खाद खुजली की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें और आपसे मेरी छोटी सी विनती है, यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, दांत खाद खुजली की परेशानी आज की डेट में हर एक व्यक्ति के साथ देखी जाने लगी है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। दोस्तों, यह परेशानी वैसे ज्यादातर महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में देखी जाने लगी है। इस परेशानी के कुछ मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है प्री डायबिटिक होना। प्री डायबिटिक होने की वजह से दोस्तों हमारे शरीर के अंदर ब्लड का संचार नहीं हो पाता अच्छे प्रकार से, और जिसकी वजह से हमारे प्राइवेट पार्ट पे फंगल इन्फेक्शन की समस्या आना निश्चित होता है। दूसरा कारण होता है जूते टाइट पहनना, एक बार 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 सिरप को इस्तेमाल भी लेना, जिसकी वजह से दोस्तों वो जितने भी गंदे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे पैरों पे स्थापित होने लगते हैं और उसी की वजह से हमें खुजली होती है और उसी के चलते हमारे फंगल इन्फेक्शन की समस्या आना निश्चित होता है। तीसरा कारण ये होता है दोस्तों, अधिक मात्रा में गीले सूखे कपड़े पहनना और पसीना आना, जिसकी वजह से हमें खराश महसूस होती है और उसकी वजह से हम खुजलाते हैं और हमारे फंगल इन्फेक्शन की समस्या आना निश्चित होता है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, आज की उम्र में भी बहुत ही ज़्यादा कारगर, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, जैसे कि आप ये चीज़ देख रहे होंगे, इसके अंदर जो ये चीज़ है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी ये चीज़ है क्या। अब आपको इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट जो लेना है वो है दोस्तों ये एलोवेरा जेल। अगर आपके घर पे एलोवेरा जेल का पौधा है तो आप उसका भी जेल ले सकते हैं। तो आपको एक चम्मच के तकरीबन ले लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के अंदर दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। ये दोस्तों आपके चेहरे की झाइयों में झुर्रियों को खत्म करता है, आपके चेहरे पे ग्लोइंग लाता है, साथ ही साथ दोस्तों ये आपके फंगल इन्फेक्शन को मार गिराता है और आपकी स्किन को पहले जैसी मुलायम और सॉफ्ट बनाता है। तो आपको करना क्या है, इतनी सी मात्रा में ले लेना है एलोवेरा जेल। अब आपको इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट जो लेना है वो है दोस्तों हमारा ये दोस्तों आपको एक चम्मच के तकरीबन ये भी ले लेना है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, अब आपको इन सभी चीज़ों को मिला लेना है। दोस्तों, हमने जो लास्ट में आखिरी चीज़ जो ली है वो है दोस्तों हमारी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में दोस्तों कुछ ऐसे एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो कि दोस्तों नेचुरल रूप से आपके फंगल इन्फेक्शन की समस्या से तुरंत ही निजात दिलाते हैं और आपके फंगल इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया को मार गिराते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इतनी सी मात्रा में ले लेना है ग्लिसरीन। अब आपको इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, जो हमने सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट लिया था वो है दोस्तों हमारा पूजा घर का कपूर। कपूर में दोस्तों एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक और ऐसे कुछ गुण पाए जाते हैं आयुर्वेदिक, जो कि दोस्तों आपके फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। ये साथ ही साथ दोस्तों आपके चेहरे के ऊपर जलने के निशान होते हैं उन्हें भी खत्म करता है, आपके चेहरे पर झाइयों झुर्रियों को खत्म करता है, वैसे ही दोस्तों आपके फंगल इन्फेक्शन से निजात दिलाने में कारगर साबित रहता है। तो आपको करना क्या है, आपको ले लेना है इतनी सी मात्रा में कपूर। दोस्तों, अब आपको इन सभी चीज़ों को चला लेने के बाद यह नुस्खा आपको कुछ इस प्रकार से नजर आने लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस नुस्खे को लगाना है। दोस्तों, आपको इस नुस्खे को रात को लगाना है। सबसे पहले जहाँ पे भी आपके फंगल इन्फेक्शन है उस एरिया को साफ करना है, फिर आपको इस नुस्खे को लेना है और अपने फंगल इन्फेक्शन वाले एरिया पे लगा लेना है। आपको पूरी रात यूं ही लगे छोड़ देना है और सुबह उठते के साथ ही धो लेना है। आपको यह नुस्खा लगभग एक सप्ताह तक करना है। एक सप्ताह कर लेने के साथ ही आप देखेंगे आपकी दांत खाद खुजली की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और आपकी स्किन पहले जैसे दिखाई देने लगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपको कोई फैमिली फ्रेंड्स या मित्र इस परेशानी से जुड़ रहा हो उन भाई के साथ भी व्हाट्सएप पर फेसबुक शेयर कीजिए। धन्यवाद।